घोड़ों की दिक्कत तो हम ठीक कर सकते हैं। इंद्रकृष्ण शास्त्री जो है कि 21 नवंबर से हरने काटने की धमकियां देते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, गोदी मीडिया सत्ता के षड्यंत्र के तंत्र का गुलाम हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। खैर, गोदी मीडिया गुलाम है तभी तो उनका नाम गोदी मीडिया पड़ा है। बात सही है दोस्तों, इस गोदी मीडिया को किसानों का दर्द दिखाई नहीं देता, देश के गरीबों की बेबसी, उनकी लाचारी दिखाई नहीं देती, मेहनत कष्ट मजदूरों के हाथों में पड़ने वाले बड़े बड़े छाले दिखाई नहीं देते, लेकिन ऐसी कमरे में बैठकर नौटंकीबाजी करने वाले, जोकरगिरी करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पैरों के छाले इनको अल्ट्रा वाइड में दिखाई देते हैं। तो मैं दो बीमारी है, एक तो फेफड़ों की, दूसरी लबेरिया की। अबे साले। दोस्तों, क्या सच में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं को जोड़ने निकले हैं, या सत्ता में बैठे भ्रष्टाचारियों के तंत्र का एक हिस्सा है जो लोगों को बेवकूफ बनाने निकले हैं? अब वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई, राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। खैर, इसके बारे में मैं तो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं उससे आप ही अंदाजा लगाकर मुझे बताइएगा कि क्या सच में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पैरों में यूं बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नौटंकीबाजी चल रही है रील्स बनाकर हिंदुओं के इमोशन से खेलने के लिए। दोस्तों, कई दिनों से गोदी मीडिया जो है कि आंखों से नीर बहा बहा कर, यानी कि रो रो के यह बता रही है कि सनातन धर्म की अखंडता और एकता के लिए पद यात्रा कर रहे धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में यूं बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बालाजी की कृपा से दूसरों के कैंसर जैसे बड़ी घातक बीमारियों को ठीक करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के अपने पैरों के छाले ठीक नहीं कर सकते? फेफड़ों की दिक्कत तो हम ठीक कर सकते हैं, जिंदा चुड़ैल से तुम ही बचो। फेफड़ों की दिक्कत तो हम ठीक कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पैरों में बांधे जाने वाले जो पट्टी है, जो डॉक्टर इलाज कर रहा है, इस तरह की वीडियो बना बनाकर खूब जो है कि वायरल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पैरों में चलते चलते जो है कि छाले पड़ गए हैं, यानी इस तरह की तमाम वीडियो दिखाई जा रहे हैं और तमाम लोग जो है कि इस वीडियो को शेयर करते करते इसे देख देख के खूब आंसू बहा रहे हैं। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है कि 21 नवंबर से इस पदयात्रा का शुभारंभ किया था, समझ आ रहा है? लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं चल रहे हैं, बल्कि जब से वो पदयात्रा शुरू किए हैं, प्रारंभ किए हैं, तब से उनके साथ और भी बहुत सारे लोग जो है कि चल रहे हैं, जैसे कि राजू दास भी काफी फेमस व्यक्ति हैं, जो लगातार जो है कि विवादित बयान देते रहते हैं, तलवार से लोगों को मारने काटने की धमकियां देते रहते हैं। फिलहाल उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्या के ऊपर भी हमला किया था, योगी जी के काफी करीबी माने जाते हैं, लड्डू भी खिलाते हैं, तो वो भी साथ चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ छाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ही पैरों में क्यों पड़ रहे हैं, राजू दास के पैरों में क्यों नहीं पड़ रहे हैं? और यदि पड़ रहे हैं तो फिर उनके पैरों के छाले क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं? लेकिन यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है कि जूता चप्पल नहीं पहन रहे, प्रत्येक पदयात्रा में हम पादुका नहीं पहने। लेकिन मैं आपको वीडियो के साथ दिखाऊंगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस दिन से पदयात्रा शुरू किए हैं उस दिन से हर दिन वो नए कपड़े पहनते हैं और नए कपड़े के साथ साथ नए मोजे और नए ब्रांड के जूते भी पहनते हैं। इस वीडियो में देख लो। जनता को आप
मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अभी आप सोच लो कि रोज नए कपड़े पहन रहे हैं और रोज नए नए ब्रांड के जूते भी पहन रहे हैं, फिर भी साहब के पैरों में छाले पड़ जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।